नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको गंगापुर के फेमस खीर मोहन की रेसिपी बताऊंगी। तो ये पनीर से बनती है, थोड़ी टाइम टेकिंग रेसिपी है पर बहुत ही टेस्टी बनती है, आप घर में बनाइए इसे। तो आइए बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने 1 लीटर दूध लिया है, ये फुल क्रीम दूध है और पैकेट वाला दूध ही लिया है। तो इसे हम बॉईल करने के लिए रख देंगे और जब दूध बॉईल हो जाए अच्छे से तो इसमें हम विनेगर डालेंगे। तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, तो एक साथ ना डालें सारा, आप थोड़ा थोड़ा डालें। तो देखिए, 2 बार मैंने 2-2 चम्मच विनेगर डाला है और दूध फट गया है। तो पानी अलग हो गया और छेना रेडी हो गया है इसका बनकर। तो आइए इसे छान लेते हैं। तो एक चलनी पर देखिए, हम कॉटन का कपड़ा रखेंगे और इसे इस तरह से छान लेंगे और उसके बाद इसे हम थोड़ा ठंडा पानी से धोकर इसको हाथों से निचोड़ लेंगे, इसका एक्सेस पानी निकाल लेंगे और 1 घंटे के लिए इसे टांग देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए और थोड़ा वजन भी इस पर आप रख सकते हैं। तो देखिए, 1 घंटे के बाद ये छेना बनकर तैयार है अच्छे से, इसका पानी भी सारा निकल चुका है। तो इसे हम इस तरह से देखिए हथेलियों से रब करेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। इसमें आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये बहुत चिकना सा डो हो जाएगा। तो देखिए, 5-7 मिनट में इस तरह से ये डो रेडी हो गया है। और अब इसमें हम थोड़ी सी मैदा डाल लेंगे, उससे हमारे खीर मोहन जब हम बॉल्स बनाएंगे तो फटेंगे नहीं जब इसे हम चाशनी में डालेंगे। तो 1 चम्मच मैदा डालकर इसे हम फिर से अच्छे से डो बनाने तक इस तरह से गूंथेंगे। और देखिए, एक चिकना सा ये स्मूथ सा डो तैयार हो गया है। देखिए, हथेलियों पर भी इसका चिकनाई आ गई है। तो इससे हम इक्वल साइज़ की बॉल्स बना लेंगे, तो आप जितना चाहें छोटी या बड़ी उस तरह से बना लें। और इनको इस तरह से देखिए आप हथेलियों में दबाएंगे और उसके बाद आप रोल करेंगे तो बहुत अच्छी गोलियां बन जाएंगी ये। और आप कोशिश करें कि उसमें किसी तरह के क्रैक ना आए। क्रैक आए तो आप एक बार फिर से इसको थोड़ा सा डो को आप गूंथें, दोबारा अच्छे से बन जाएगा। तो ये देखिए, बॉल्स रेडी हो गई हैं और अब इसका हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो एक कढ़ाई में देखिए, मैंने ये 1.5 कप चीनी ली है, आप 1.5 कटोरी भी ले सकते हैं। और इसे 2 गुना पानी डालेंगे हम इसमें। तो मैंने 3 कप पानी डाला है और अब इसे हम बॉईल होने देंगे। तो थोड़ा सा आप इसे बीच में चला दें ताकि चीनी तले पर चिपके नहीं। तो गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है अभी हमें, और इसे बॉईल होने देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमें क्या करना है। हम एक पैन लेंगे, इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। मैंने नॉनस्टिक पैन लिया, आप नॉर्मल भी ले लें। और फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे हम और इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है जब तक कि देखिए शुगर मेल्ट होने लग रही है, तब तक हमें इसे नहीं छेड़ना है। और जब मेल्ट हो जाए तब इसे थोड़ा सा हम मिलाएंगे। तो देखिए, इस तरह से शुगर का कलर चेंज हो गया है, ये शुगर कैरमलाइज हो गई है। इसमें हम थोड़ा पानी डालकर इस तरह का देखिए कलर वाला पानी तैयार कर लेंगे, इसी से खीर मोहन में कलर आएगा। तो जब चाशनी बॉईल हो गई है हमारी, उसमें हम ये पानी डाल देंगे। तो इस तरह से थोड़ी सी कलरफुल चाशनी हो गई है, इसमें हम हमारे छेना के बॉल्स डाल देंगे। तो आप ध्यान रखिए, पानी बॉईल होते हुए में ही आपको छेना बॉल्स डालनी है, ठंडे पानी में नहीं डालनी है। और अब इसे हम 1/2 घंटे तक ढककर पकाएंगे, पहले हाई फ्लेम पर, बीच में मीडियम से हाई फ्लेम में, लो फ्लेम नहीं करनी है। तो देखिए, 1/2 घंटे में थोड़ा सा हमारे छेना के बॉल्स तैयार हो गए हैं ये। अब हमें इसे हर 15-15 मिनट में इस तरह से चेक करना है और इसे कुक करना है। चाशनी गाढ़ी होती जाएगी और इनके कलर चेंज होता जाएगा। देखिए, 15 मिनट बाद इसका कलर चेंज हो गया, चाशनी भी गाढ़ी हो गई है। अब आप फिर से इसे 15 मिनट के लिए ढक दीजिए और थोड़ा सा इसको फ्लिप करके इसका साइड चेंज करते रहिए, बीच बीच में मिलाकर। देखिए, और इसका कलर चेंज हो गया, चाशनी गाढ़ी हो गई है। और 15-20 मिनट रखेंगे तो टोटल आपको 2 से 2.5 घंटे इसे तैयार करने में लगेंगे। तो देखिए कितने अच्छे खीर मोहन बन के तैयार हुए हैं। अगर आपको लगे चाशनी गाढ़ी हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। और जब ये इस तरह रेडी हो जाए तो आप ढक दीजिए, गैस बंद कर दीजिए, उन्हें ठंडा करिए। तो देखिए, हमारे खीर मोहन तैयार हैं। थोड़े से फ्लैट हो गए हैं ये, पर टेस्ट में बिल्कुल कमी नहीं है इसमें। तो इस तरह से इनको हम सर्व कर लेंगे। तो ये घर में ही बना के खीर मोहन खाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।